आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के भवनहीन 1500 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन बनाने के लिए 2871 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अगले साल अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में 100 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के 457 शासकीय महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए और प्रदेश में कल 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में एकता के लिए दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के भवनहीन 1500 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन बनाने के लिए 2871 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य में सीप कोला लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 31 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के तहत सीहोर जिले की इछावर तहसील के 13 गांवों को रबी सीजन में 6100 हेक्टेयर और खरीफ सीजन में 2600 हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अगले साल अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में 100 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। श्री नकवी ने देश के नवनिर्माण में अल्पसंख्यकों की भूमिका विषय पर नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के अधिकारी इन स्कूलों को शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा और वहां शौचालय का निर्माण कराने और उसके रखरखाव का खर्च भी अल्पसंख्यक मंत्रालय देगा। श्री नकवी ने बताया कि पूरे देश में जल्द ही 40 से 50 गरीब नवाज कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के चहुमुखी विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों पर गठित मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की समितियों ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अपनी अनुशंसाओं की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को तैयार किए गए रोडमैप पर रणनीतियां और कार्य योजनाएं बनाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसी अनुशंसाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा जिनके शुरू होने पर सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। बैठक में स्वच्छता अभियान, बेहतर शिक्षा, हर घर में बिजली और कृषि आय दोगुना करने सहित विभिन्न विकास कार्यों के बारे में प्रस्तुतियां दी गईं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज सागर में आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा भी की। डॉ. कुमार ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। प्रदेश के शासकीय तथा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुए। कहीं कहीं छात्रों द्वारा हंगामा और धरना प्रदर्शन किए जाने की भी खबर है। इस दौरान महाविद्यालयों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। करीब 457 शासकीय महाविद्यालयों में चुनाव कराए गए हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के बीच था। जबलपुर के जीएस कॉमर्स कॉलेज में चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। राजधानी भोपाल के विभिन्न महाविद्यालयों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। चुनाव परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। हमारे खजुराहो संवाददाता ने बताया है कि छतरपुर के बिजावर और महाराजा कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों को जीत मिली है। शाजापुर जिले के शासकीय महाविद्यालयों में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों को जीत मिली है। सागर उज्जैन में भी विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। वहीं खंडवा में अजाक्स छात्र संघ ने चुनाव बहिष्कार करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सभी चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
प्रदेश में कल 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर राजधानी सहित प्रदेश के जिलों में एकता के लिए दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में एकता दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। दौड़ में शामिल नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक उपेंद्र जैन ने रन फॉर यूनिटी में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है। मैं सभी युवाओं से यह अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय एकता से जुड़े हुए इस तरह के कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस देश के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें और एकता और अखंडता की जो दौड़ हो रही है, ये रन फॉर यूनिटी, उसमें दौड़ें। प्रदेश के विभिन्न जिलों नरसिंहपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, उमरिया, सागर, सतना, आगरमालवा, शहडोल, देवास, रीवा, धार सहित सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। वहीं भोपाल स्थित रीजनल साइंस सेंटर में सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को उनके जीवन दर्शन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जो 30 नवम्बर तक चलेगी। रन फॉर यूनिटी विषय पर आधारित प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कार्यक्रम आजकल का प्रसारण आज रात 8:15 पर आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग ने राजधानी भोपाल के 7 मामलों सहित कुल 8 मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने भोपाल के भानपुर क्षेत्र में लगभग 5,000 रहवासियों को सड़क के गड्ढों में पानी भर जाने से हो रही असुविधा पर संज्ञान लिया है। इसी तरह भोपाल शहर के पार्किंग ठेकेदारों और उसके कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों से ज्यादा शुल्क वसूलने तथा विरोध करने पर बदसलूकी करने की घटना और पुराने भोपाल के रहवासी क्षेत्रों में निगम कर्मियों द्वारा कचरा जलाकर प्रदूषण फैलाने की घटना पर संज्ञान लिया गया है। आयोग ने इन 3 मामलों में भोपाल नगर निगम के आयोग से प्रतिवेदन तलब किया है। इसी तरह और 5 मामलों में भी आयोग ने संज्ञान लिया है। किसानों को उनकी उपज का कम दाम मिलने पर आज आगरमालवा कृषि उपज मंडी में गुस्साए किसानों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। इस घटना में एक तहसीलदार सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंडी में किसान करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अपनी उपज बेचने आए थे, लेकिन व्यापारियों द्वारा उन्हें सही दाम नहीं दिए जाने को लेकर किसानों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 20 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। जिला कलेक्टर अजय गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में 65 प्रसूतियों की हालत एक इंजेक्शन लगने के बाद बिगड़ गई थी। इनमें से 6 को ICU में भर्ती किया गया। फिलहाल पीड़ितों की हालत सामान्य बताई गई है। अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर संजय चंदेल ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली कल उज्जैन में 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ करेंगे। मंडला जिले में आयोजित चौगान की मढ़िया में आज मढ़ई मेले का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग वितरण के लिए चिन्हांकित करने और दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रायसेन के ओबेदुल्लागंज और बाड़ी विकासखंड में 2 और 3 नवंबर को शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। झाबुआ में राज्य योजना आयोग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक उपलब्ध करवाने में झाबुआ को प्रदेश में पहला स्थान मिलने की जानकारी भी दी गई। और भारतीय सेना में महारेजिमेंट के 179 नए सैनिक आज शामिल हो गए। सागर में इस अवसर पर भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के भवनहीन 1500 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन बनाने के लिए 2,871 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अगले साल अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में 100 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के 457 शासकीय महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुए। और प्रदेश में कल 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में एकता के लिए दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।